नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। दोस्तों, आप सभी का इतना मुझे प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं कि यदि दांत फ्रैक्चर हो जाए, टूट जाए किसी कारणवश, चाहे वो एक्सीडेंट के कारण हो या गिरने के कारण हो, तो उस दांत का क्या इलाज संभव हो सकता है, हम उसको किस प्रकार से बचा सकते हैं। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि किन परिस्थितियों में दांत को बचाना संभव नहीं है और दांत को निकलवाना पड़ता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए उपयोगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में घंटे की बटन दबा दें, इससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सिर्फ आपको मेरे चैनल में ओरल हेल्थ से रिलेटेड सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ, इसके अलावा सामान्य स्वास्थ्य संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। इसके अलावा मैं वीडियो के अंत में आप में से ही किसी का सवाल उठाऊंगा, मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूअर हैं, जो मुझसे कमेंट करके सवाल पूछते हैं, उनमें से किसी एक का मैं सवाल उठाऊंगा। तो आज का सवाल जो मैं लेने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आप में से अधिकांश की समस्या वो है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यदि दांत फ्रैक्चर हुआ है किसी एक्सीडेंट के कारण या आपके गिरने के कारण, तो ऐसा तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि वहां आपको डॉक्टर तुरंत मिल जाए, अवेलेबल हो जाए। तो उस केस में आप प्राइमरी ट्रीटमेंट स्वयं से क्या कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे क्या होगा कि आपका जो ट्रीटमेंट आप स्वयं के लिए करते हैं, ये दाँतों को बचाने की कंडीशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कैसे? देखिए, यदि कभी आपका दांत इस प्रकार की कंडीशन बनती है कि वो टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो सबसे पहला काम करेंगे कि उस एरिया को पानी से, साफ ठंडे पानी से साफ करके धो लीजिए। उसके बाद फिर यदि गॉस पीस मिल जाए तो, कॉटन मिल जाए तो, उसको वहाँ पे दबा के रखिए जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। मान लीजिए कि गॉस पीस नहीं मिलती है तो कोई भी साफ कपड़ा उसको थोड़ा सा राउंड करके और दांतों के बीच में लगा करके पैक कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि ब्लीडिंग नहीं होगी और आपको नुकसान कम होगा। इसके अलावा यदि बर्फ़ की सुविधा हो सकती है तो वहाँ पर बर्फ़ की सिकाई करें, यानी आइस पैक दें, इससे सूजन कम से कम होगी, आपको दर्द में भी राहत मिलेगी। उसके बाद फिर नंबर आता है डॉक्टर्स के। अब जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर उसको चेकअप करते हैं, उसकी कंडीशन को देखते हैं, उसके बाद उसके ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं। तो चलिए अब मैं एक एक करके बताता हूं कि यदि दांत में ऐसी स्थिति हो, ऐसा फ्रैक्चर हो, तो उसका क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। देखिए, फ्रैक्चर टूथ का ट्रीटमेंट हमेशा फ्रैक्चर की कंडीशन पर डिपेंड करता है, मतलब ये कि दांत कहां से फ्रैक्चर हुआ है, कितना फ्रैक्चर हुआ है, कितने दिन हो गए, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको मॉडल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मेरे हाथ में एक ये मॉडल है। सपोज करिए कि आपके दांतों में बहुत हल्का सा फ्रैक्चर हुआ, बहुत मामूली सा धक्का जैसे लगा है। उस स्थिति में आपको क्या होगा कि दांतों के बीच में, देखिए सामान्य रूप से क्या होता है कि जब दांतों में फ्रैक्चर होता है, टूटते हैं दांत एक्सीडेंट के कारण, तो सामने के दांत मैक्सिमम केसेस में देखे गए हैं कि फ्रैक्चर होते हैं। तो यदि मान लीजिए हल्का सा धक्का लगा है तो दांतों में, मॉडल को ध्यान से देखिएगा, तो दांतों में यहाँ पे बिल्कुल लाइन जैसे फ्रैक्चर्स आते हैं, या वर्टिकल हो सकती है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है। इस केस में हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। हो सकता है कि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि सिंपल दवाइयाँ लेने के बाद दो चार दिन में पेशेंट को आराम लग जाता है, दर्द में भी, और दांतों में आगे तकलीफ नहीं होती। होता यह है कि दांतों में एक प्रोसेस होती है जिसे हम रीमिनरलाइजेशन कहते हैं। इस रीमिनरलाइजेशन के कारण जो हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है वो आसानी से भर जाता है और दांत बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। एक कंडीशन और निर्मित होती है कि मान लीजिए जो धक्का है या जो फ्रैक्चर है वो दांतों के अंदरूनी भाग में हुआ है, मतलब दांत का जो इंटरनल पोर्शन होता है, जो पल्प होता है, वहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ है या वहाँ पे भी तकलीफ हुई है। उस केस में क्या होता है कि पेशेंट को शुरुआती अवस्था में दो चार दस दिन तक दर्द होता है, उसके बाद फिर पेशेंट को बड़े आराम से, आसानी से आराम लग जाता है, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है। इस केस में क्या होता है, आगे चल करके हो सकता है 6 महीने बाद, हो सकता है साल भर बाद, या हो सकता है और ज़्यादा ड्यूरेशन में, धीरे धीरे दांत में तकलीफ होने लगती है, दांतों का कलर खराब होने लगता है, डिसकलरेशन की जो प्रोसेस होती है वो होने लग जाता है, दांत डिसकलर्ड हो जाते हैं और ज़्यादातर पिंक टूथ हो जाते हैं, यानी पिंक कलर के हो जाते हैं। इस केस में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको दर्द हो भी सकता है और दर्द नहीं भी हो सकता है। देखिए, यदि दर्द होता है कि नहीं होता है वो अलग मैटर है, बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ये ऐसा कह सकते हैं कि दोनों स्थितियों में इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं।
दर्द हो कि ना हो, यदि पिंक टूथ है यानी दांत का कलर बदल रहा है धीरे धीरे, तो उस स्थिति में हम इसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके और उसमें कैपिंग करके बहुत ही आसानी से उसको बचा सकते हैं। दांत पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है और मजबूत हो जाता है। उसके बाद एक और तीसरी अवस्था हो सकती है, मान लीजिए कि दांत का इंसाइजल एज डिस्टर्ब हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है। फिर से मैं आपको मॉडल दिखाना चाहूंगा। सपोज करिए कि फ्रैक्चर दांत के इंसाइजल थर्ड पे हुआ, मतलब इस एरिया में नीचे से हुआ है, या कोई एज यहाँ से हुआ है, कोने से, यहाँ से या यहाँ से। इन स्थितियों में यदि फ्रैक्चर हुआ है तो आप समझिए कि इसको बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस स्थिति में क्या कर सकते हैं हम लोग, इस स्थिति में हम कंपोजिट फिलिंग कर देते हैं, मतलब एक लाइट की ओर फिलिंग मटेरियल होता है, उससे हम दांत को फिर से बनाते हैं और उससे लाइट के माध्यम से उसको क्योर कर देते हैं, मतलब दांतों को फिर से उसके पुराने स्ट्रक्चर पे ले आते हैं। इस चीज़ में आपको सावधानी ये रखनी है कि आगे के दांतों में जहाँ पे आपने कंपोजिट फिलिंग करवाया है वहाँ पे कड़क चीज़ों को चबा करके तोड़ करके नहीं खाना है, क्योंकि वो फिलिंग निकल सकती है। इसके अलावा इसमें आप डायरेक्टली कैपिंग भी करवा सकते हैं, ये भी एक ट्रीटमेंट का ऑप्शन हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं एक और फ्रैक्चर की अवस्था की। मान लीजिए कि आपका जो दांत है वो जिंजाइवा से, यानी जो हमारे मसूड़े होते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर से फ्रैक्चर होते हैं। देखिए मॉडल को, ये हमारा पूरा एक दांत हो गया और यहाँ से फ्रैक्चर हुआ है, ये देखिए, मतलब दांत की जड़ बिल्कुल सही सलामत है लेकिन जो क्राउन है, जो हमें दिखता है, उसका 2/3 पोर्शन टूट गया है। इस स्थिति में भी दांत को बहुत आसानी से बचाया जा सकता है। इसके लिए हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है और रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद पोस्ट एंड कोर एक प्रोसेस होती है, ट्रीटमेंट का एक तरीका होता है। इसमें हम दांतों की जड़ों में स्क्रू डाल देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर क्राउन लगा देते हैं, तो दांत फिर से नेचुरल जैसे दिखने लग जाता है, दांत मजबूत हो जाता है और सामान्य हो जाता है। अब एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें दांत को निकलवाना ही पड़ता है, और वो स्थिति क्या होती है, फिर से आप मॉडल को ध्यान से देखिए। देखिए यदि दांत आपका यहाँ से, ये जो जड़ है, देखिए यहाँ पे ये पूरा पोर्शन जड़ है ये, अब यदि आपका जो दांत है ये जड़ वाले पोर्शन से फ्रैक्चर हुआ है, मतलब बाहर का जो क्राउन है ये तो पूरी तरह से निकल ही गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आपको जड़ वाला पोर्शन है ये भी फ्रैक्चर हो गया है, तो इस स्थिति में आप मान के चलिए कि दांत को निकलवाना ही पड़ता है, मतलब दांत निकलवाना ही चाहिए। कभी कभी यदि मान लीजिए जड़ का केवल थोड़ा सा पोर्शन, यानी ऊपर वाला पोर्शन, सर्वाइकल एंड वाला पोर्शन यदि टूटा है, फ्रैक्चर हुआ है, बाकी सब पूरी जड़ मजबूत है, अच्छी कंडीशन में है, तो इस स्थिति में हम उसको मॉडिफाई करके दांत को बचा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के दांत में मजबूती उतनी नहीं रह जाती, आप दांत बचा सकते हैं लेकिन मजबूती नहीं रहेगी, उसमें अपन कोई कड़क चीज़ें और नहीं तोड़ सकते, नहीं खा सकते। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको बताया कि यदि फ्रैक्चर टूथ हो जाता है तो क्या करना चाहिए, हम प्राइमरी ट्रीटमेंट स्वयं से कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया फ्रैक्चर की विभिन्न स्थितियां क्या होती हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। और अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अधिकांश जो मरीज होते हैं जिनके दांतों में फ्रैक्चर हुआ है वो इसी बारे में सोचते हैं। वो बात ये है कि देखिए फ्रैक्चर हो गया दांत, पेशेंट ने प्राइमरी ट्रीटमेंट ले लिया, डॉक्टर को भी दिखा दिया, मेडिसिन ले लिया, अब उसके दांत में दर्द नहीं है। अब जब दांत में दर्द नहीं होता है तो पेशेंट क्या सोचते हैं कि अब दर्द नहीं है इसमें क्या इलाज करवाना, जब तक चलता है चलाने दो, ये सोच सबसे बेकार सोच है। क्यों? देखिए दांत आपका फ्रैक्चर हो चुका है, आज नहीं तो कल उसमें इन्फेक्शन लगातार बना रहता है और वो इन्फेक्शन धीरे धीरे जड़ के अंदर तक पहुंच जाता है। इस स्थिति में दांतों में पस फॉर्मेशन होने लग जाता है जिसे हम डेंटल एब्सेस कहते हैं। इसके बारे में भी मेरा एक वीडियो आ चुका है, यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में देखिए लिंक आ जाएगा, आप वहाँ पर देखिए, आपको वो डेंटल एब्सेस वाला वीडियो मिल जाएगा, जरूर उसको देखिए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उसमें मिलेगी। उस वीडियो में मैंने बताया है कि डेंटल एब्सेस किस किस कारणों से होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, कितने प्रकार का होता है। अब डेंटल एब्सेस के बाद फिर धीरे धीरे उसमें सिस्ट बन जाती है, यानी गठान बन जाती है, और गठान बनने के बाद भी ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो फिर ये आगे गंभीर स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। गंभीर स्थिति मतलब आप समझ सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि जो काम शुरुआती अवस्था में कम समय में कम पैसे में और आसानी से हो सकता है, उसे आप अधिक गंभीर, अधिक खर्चीला और ज़्यादा समय लेने वाला
क्यों बनाते हैं। मेरा आपको सुझाव ये है कि आप शुरुआती अवस्था में ही, मतलब जब आपका दांत फ्रैक्चर हुआ तभी आप डेंटल सर्जन से मिलें और उनके द्वारा बताई गई जो ट्रीटमेंट का तरीका है, जो ट्रीटमेंट प्लान है, उसको पूरा फॉलो करें जिससे आपको तकलीफ नहीं होती। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया है और दांत आपको निकलवाना पड़ा, उस स्थिति में वहाँ पे जो गैप बनती है वहाँ पे आप नकली दांत लगवा सकते हैं। बहुत ही सामान्य से प्रोसेस है, ये मॉडल पे देखिए। सपोज करिए कि ये दांत जो था फ्रैक्चर था, इसकी जड़ें फ्रैक्चर थी, इसको हमने निकलवा दिया, दोनों दांतों के बीच में गैप बन रही है, तो फ्रंट का टूथ होता है, सामने से दिखने में अच्छा भी नहीं होता। इस स्थिति में क्या कर सकते हैं हम, इसमें नकली दांत को लगवा सकते हैं। नकली दांत लगवाने का क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है, किस किस तरीके के लग सकते हैं, इसके बारे में सुनिए। सबसे पहले तो आप इसमें इम्प्लांट करवा सकते हैं। इम्प्लांट मतलब स्क्रू डाल करके यहाँ पे दांत लगवा देते हैं, बिल्कुल नेचुरल लगता है, मजबूत होता है। यदि इम्प्लांट नहीं लगवाना है तो आप इसमें ब्रिज लगवा सकते हैं। इसमें दो दांतों को सपोर्ट लेकर के यहाँ पे एक दांत लगा दिया जाता है, ये लगवा सकते हैं। यदि आप ये भी नहीं लगवा सकते हैं क्योंकि ये कॉस्टली होते हैं, तो आप सिंपल RPD यानी रिमूवल पार्शियल डेंचर लगवा सकते हैं। इस प्रकार से इस दांत को आप फिर से ठीक करवा सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको फ्रैक्चर टूथ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां दे दी हैं। मतलब ये कि प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से यदि फ्रैक्चर हुआ है दांत तो उसका क्या इलाज हो सकता है, और यदि आप इलाज नहीं करवाएंगे तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब मैं वीडियो के अंतिम पड़ाव में हूँ और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, इस सेक्शन में मैं हमेशा आप लोगों में से किसी एक का सवाल लेता हूँ। तो आज मैंने जो सवाल लिया है उसको संजय चलोसिया जी ने इंदौर से पूछा है। इनका सवाल ये है कि पैरों में सूजन होना क्या हार्ट डिजीज की निशानी है, क्या कोई खतरा है? संजय चलोसिया जी, आपको सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैरों में सूजन होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे यदि शरीर में खून की कमी है यानी एनीमिया है तो पैरों में सूजन हो सकती है। यदि किडनी सही ढंग से काम नहीं कर रही है, मतलब ब्लड प्योरिफिकेशन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, तब भी सूजन हो सकती है। या फिर कोई ऑफिस गोइंग पर्सन है, ज़्यादा देर तक कुर्सी में बैठ करके पैर नीचे लटका करके काम करता है, तो ये भी एक सूजन का कारण हो सकता है। जहाँ तक मैं आपको समझता हूँ, आप एक ऑफिस गोइंग पर्सन है और आप ज़्यादा देर तक पैर झुला करके और काम करते होंगे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है तकलीफ है। या फिर ये बात भी सही है कि यदि हार्ट सही ढंग से काम नहीं करता तो सर्कुलेशन सही ढंग से नहीं हो पाता है, तो भी इस प्रकार की समस्या हो सकती है। मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि सबसे पहली बात, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जी हाँ, टेंशन मत लीजिए और आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट जरूर करें। उनको अपनी सारी यथास्थिति को समझाइए और उनके द्वारा जो एडवाइस दी जाती है उसको फॉलो करें। बहुत सारी जांच होती हैं, आप उनको करवाइए। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है, केवल आप ज़्यादा देर तक बैठ के काम करते हैं, इस कारण से ऐसी समस्या हो सकती है। इसलिए आप टेंशन नहीं करें, एक बार कार्डियोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट से ज़रूर आप मिलें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको भी यदि कोई सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट करिए, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। दोनों का डील लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जा करके मुझे डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अंत में कि यदि वीडियो आपके लिए अच्छा हो, उपयोगी हो, तो लाइक जरूर करें। यदि मैं आपका 10 से 15 मिनट का समय लेता हूं तो उसमें मैं आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाता हूं। यदि आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर उसमें नॉलेज मिलेगा। इस वीडियो को अब मैं यहीं रोकता हूं, बहुत जल्दी मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।